देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। औखे दिनां जदों भारत च अनाज की कमी सी उदों जिम्मेवारी पंजाब दे किसान ते लाई गई सी जिहनूं ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जांदा कि पंजाब भारत दा ढिड भरे। पंजाब दे लई अज आपां सारे आए हां, जंग लड़न लई आए हां, कैसी जंग जिहड़ी पंजाबियां दी जंग होवे। अज अपने स्थिति की लड़ाई है, अज किसानी की लड़ाई नहीं रह गई, ये पंजाबियों की लड़ाई हो गई है, ये पंजाबियों की पहचान बचाने की लड़ाई हो गई है। की जवाब देवे असं भविख च अपने बच्चों, अज जे आप इतों खाली हथ चले गए। आ हूँ तो लड़ाई ऐसे मोड़ पर आ गई है कि यह फैसला कौन लड़ाई है। लगातार किसान अपने हक्कां दे लई दिल्ली दे विच शांतमई ढंग नाल अंदोलन कर रहे हैं। उत्थे नाल दी नाल हर वर्ग इत्थे आ के किसानां दा हौसला बुलंद कर रहा है, एक आवाज़ सेंटर तक लैके जा रहा है, भावें वह किसान परिवार चों नहीं भी हैगा। और अज साडे नाल मौजूद ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे ऐसे फनकार, ऐसे हीरा जिन्हां ने पंजाबी कई सिंगरां नूं अगे लैके जाने विच मदद की है, जिन्होंने अक्सर पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत की गल की है। साढ़े नाल मौजूद ने दीपक बाली जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत दीपक जी, लगातार पंजाबी किसान शुरुआत करके एक सूबा खड़ा होया सीगा, सारे सूबे नाल रल के दिल्ली विच बैठे आ शांतमई ढंग नाल, इस सारे माहौल नूं किवें देख रहे हो? बस मैं ये पंजाबियों नूं वंगार दे तौर ते देख रहा कि अज पंजाबियों नूं वंगारिया गया, उन्हां दे अस्तित्व नूं मिटाउण दी कोशिश कीती गई, उन्हां दी आइडेंटिटी नूं खतरा पै गया। अज पंजाब नूं जड़ों उहदी जड़ां च तेल दे के उहनूं क्योंकि पंजाब दी जड़ पंजाब दी किसानी है। पंजाब दी अगर भर पंजाब नूं अन्नदाता किया जांदा, क्योंकि औखे दिनां जदों भारत च अनाज की कमी सी उदों जिम्मेवारी पंजाब दे किसान ते लाई गई सी जिहनूं ग्रीन रेवोल्यूशन किया जांदा कि पंजाब भारत दा ढिड भरे, पंजाब भारत दे लोकां लई तीन टाइम दी रोटी दा प्रबंध करे। सो उस पंजाब दे लई अज आप सारे आए हाँ, जंग लड़न लई आए हाँ, कैसी जंग जिहड़ी पंजाबियों की जंग होवे। कि मन भावक हो रहा बहुत ज़्यादा कि अज असी अपने सब लोग घरां चों घर छड के अपने घर परिवार छड के अज इत्थे आए हाँ। अज अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अज एक किसानी की लड़ाई नहीं रह गई, ये पंजाबियों की लड़ाई हो गई है, ये पंजाबियों की पहचान नूं बचाउण की लड़ाई हो गई है। की जवाब देवे असं भविख च अपने बच्चों, अज जे आप इतों खाली हथ चले गए। आ हूँ तो लड़ाई ऐसे मोड़ पर आ गई है कि यह फैसला कौन लड़ाई है। अज तो हूँ जंग अपने सिखर पर पहुँच गई है, अज इतों इतों हूँ जाना ही तो है जो जित होंगी है, नहीं तो जिंदगी जी अज पंजाब की जिंदगी है जी इतने दाँ पर लगी हुई है। सो समुचे पंजाबी अज धर्मां ते जातां तो उपर उठ गए, पंजाबी अज पंजाबी कौम की सजना हो गई है। अज मैं हर कहता मैं पंजाबी हाँ, मैं हिंदू हाँ, मैं सिख हाँ, मैं मुसलमान हाँ, मैं ईसाई हाँ, बाद की गल आ। अज मैं पंजाबी होने के नाते आया, पंजाब की मिट्टी का वफादार सिपाही होने के नाते आया, और मैं कल्ला नहीं आया, मेरे नाल ऐसे ऐसे लोग आए आ जिहड़े एक बहुत वड्डे खेत्र नूं रिप्रजेंट करते हैं। मेरे नाल मेरे भरा ने, मित्र ने सतविंदर सिंह कोहली जी, दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी पंजाबी संगीत की कंपनी आ उहदे डायरैक्टर ने, और इन्हां लोगों ने भी अपने व्यापार तो अपने आप तो अपने परिवार तो उपर उठ के अज इत्थे आए आ। और निखिल मेरा भरा बहुत वधिया सोच वाला साडा नौजवान आ, और बड़ी ईवेंट अज इंटलैक्चुअल भी आया। अज जमीन ते पंजाब की धरती ते विचरण वाला हर व्यक्ति इत्थे आया होया। सो इतिहास सिद्धिया जा रहा, मेरी गल याद रखियो कि बच्चे गल्लां करिया करनगे कि सन 2020 एक संघर्ष पंजाबियों ने लाया सी, और उस वेले पंजाबी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिंधु बार्डर ते आके खड़ा हो गया सी। लोग करोना याद रखन ना रखन, पर यह जड़ा इतिहास रचा गया किसानी अंदोलन का, सिर्फ असी बार बार कहने शांतमई ढंग नाल जड़ा चल रहे ने, सिर्फ रहिंदी दुनिया तक होगी, इतिहास रचा गया पूरे देश दी नहीं विश्व की गल हो चुकी है। बिल्कुल, अज मैं उही गल कहा कि पंजाब सत्तां समुंदरां च फैलिया होया, पंजाब सिर्फ अमृतसर तो लैके राजपुरे तक पंजाब नहीं आ, पंजाब हर घर घर च पंजाब वसदा, जिस घर च गुरमुखी बोली जाती है, जिस घर च गुरमुखी पढ़ी लिखी जाती है, और जिस घर च गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जीवन जिया जाता, जिस घर विच पंजाबी दे रीति रिवाज, जिस घर च पंजाबी सभ्याचार फैलिया होया जी रहे लोग, सो वह अज समुचा पंजाब च
चाहे कोई वैनकूवर च वसदा, चाहे कोई न्यूयॉर्क वसदा, चाहे कोई ऑकलैंड जां कोई मेलबॉर्न वसदा, हर घर चों पंजाबियों लई इन्हां सिंघां लई इन्हां योधियां लई दुआवां आ रही। इन्हां दी लंबी उम्र, इन्हां दी तरस जिहड़ी, इन्हां दी चंगी सेहत लई अज दुआवां आ रही। अज ओह अरदासां कर रहे आ कि पंजाबी इत्थों जित दा परचम लहराउंदे होए पंजाब जाण, कि दातियां कलमां अते हथौड़े कट्ठे कर लो संदो यार, तगड़ी दा त्रिशूल बना के युद्ध करो प्रचंड हो यार। अज युद्ध आ, चाहे वह कलमां दा आ, चाहे वह बोलां दा आ, चाहे वह जज्बे दा आ, चाहे होश दा आ, चाहे जोश दा आ, चाहे वह आपसी हिम्मत दा आ, समुचे पंजाबी अज कट्ठे हो के इतिहास रचन आए हुए ने। बहुत सारा नौजवान पीढ़ी इत्थे आ के अपनी सेवावां निभा रही ने, कोई सेवा कर रहा है, कोई बजुर्गों की सेवा कर रहा है, काफ़ी सारे मैडिकल कैंप लगे ने, 36 तरह के पदार्थ लगे हुए हैं। एक पासे कहा जाता सीगा कि साडा यूथ भटक चुका है, साडा यूथ किसी होर राह पै चुका है, कुराहे पै चुका है, बट अज ये सारा माहौल देख के सारे यूथ नूं की संबोधन कर दे? सो एक इतिहास होना सी कि यूथ की यूथ की जिहड़ी अगवाई आ कौन करे, कि ककरी रुत सियाल दी वरती सुंज मसाण, खलकत सुती अंदरी निगियां बुकला मार, जां कोई करदा भगत जन खूहे ते इशनान, जां फिर किस्मत दा बली जाग रहा किसान। अज पंजाब दे यूथ दी अगवाई किसान कर रहा, उन्हां दे अंदर जिहड़ी मोटीवेशन आ, उन्हां दे अंदर जिहड़ा जोश आ, उन्हां दे अंदर जिहड़ी ताकत आ, उन्हां दे अंदर अपने पंजाब दे लड़न दी, मरन दी, मिटन दी जिहड़ी भावना पैदा कीती, उह पंजाब दी किसानी ने कीती आ। और पंजाब दे जिहड़े नेता आ, लीडर आ, उह सब फेल हो गए सी, इस करके उह कह रहे सी कि पंजाब दी यूथ जिहड़ी आ भटक चुकी आ। लेकिन किसान नूं पता, किसानों पता कि पंजाबी हल वाह के किस तरह मेहनत करके अगाह वध सकदा, सो इस करके यूथ उन्होंने मगर लगे, उन्होंने पता आ असल की पहचान आ कि किसान की मेहनत को सलाम करता, सो साडा यूथ भटक नहीं सकता, बशर्ते कि साडा यूथ भटकदा तो असी कमजोर हाँ, साडी अगवाई माड़ी आ, यूथ माड़ा नहीं हो सकता। बच्चा तो कोरी स्लेट वर्गा आ, उहदे ते तुसीं कुछ भी लिख दिओ, वह पत्थर आ, जो तो उकर दोगे छपया रहेगा। जे साडे बच्चे भटकते हैं तो बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर साडा आ, पालनहारियां दा आ, पथ प्रदर्शकों का आ। सो अज किसान ने वो गल्लां झूठ कर दित्तियां, बच्चों नूं अगवाई दित्ती, और नौजवान वड्डी गिणती इत्थे आ के इतिहास रच रहे हैं। लगातार नैशनल मीडिया टिप्पणियां करता नज़र आ रहा है कि किसान सिंपल साधे बंदे ने, किसान खेतों काम करने वाले ने, वो ट्विटर किवें चला रहे हैं, वो लंबिया गड्डिया लैके किवें पहुँचे हुए ने, ये सियासी पार्टी ये सेंटर सरकार के खिलाफ हो रही है तो साजिशा हो रही ने। ये देखो जिहड़ा जिस मीडिया की तुसी गल कर रहे हो, मैं उस मीडिया नूं मीडिया नहीं समझता, वो मीडिया नहीं है। मीडिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मीडिया में पारदर्शिता होनी चाहिए आ, मीडिया दे विच मीडिया बायस्ड नहीं होना चाहिए, मीडिया साफ ते स्पष्ट सोच वाले लोगों का होना चाहिए। सो इस तरह का मीडिया जिहड़ियां गल्लां कि किसान ट्विटर ते नहीं हो सकता, किसान इहदे ते नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने पूछे कि तुसी जदों पत्रकार बन सकते हो, तुसी जदों हॉट सीट ते बैठ के बड़बड़ियां गल्लां कर सकते हो, तो तुसी की चीज़ हो? तो जिहड़ा किसान आ उह किसान तो वड्डा बुद्धिजीवी कोई हो ही नहीं सकता, किसान तो वड्डा कोई इंटलैक्चुअल ही हो सकता, जिहड़ा समान वल देख के दस दिंदा कि अज बारिश होएगी कि नहीं होएगी, जिहड़ा हवा का रुख देख के दस दिंदा कि अज मीह पएगा कि नहीं पएगा, जिहड़ा जमीन ते मिट्टी नूं हाथ च लैके दस दिंदा कि इहदे च किन्नी नमी आ, किन्नी सोका आ, फसल नूं किस वेले पानी की लोड़ आ, किन्ना यूरिया पाउणा, बिना सोयल टैस्ट कराया, और हज़ारां सालों तो ट्रडिशनली जिहड़े लोग फॉलो कर रहे आ। सो किसान तो वड्डा बुद्धिजीवी इस धरती ते कोई हो नहीं सकता। जिहड़े किसान नूं इस तरह सोचदे आ वो अंडर एसटीमेट करदे आ, क्योंकि मनुख सिर्फ जायदाद अपने बच्चों नूं नहीं दिंदा, पैसा अपने बच्चों नूं नहीं दिंदा, अपने तन दौलत हीरे जवाहरात बच्चों नूं नहीं दिंदा, अपनी बौद्धिक विरासत भी बच्चों नूं दिंदा। एक किसान वो ने जिहड़े हज़ारां सालों की बौद्धिक विरासत लै के अगाह नूं जा रहे आ। सो एक किसानां दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वह साडे सब तो वड्डे बुद्धिजीवी ने, साडे सब तो वड्डे नेता ने, और जमीन ते जड़ नाल जुड़ के रहने वाले लोग ने। बुद्धिजीवी तो मेरे मन च सवाल आया कि काफ़ी सारी बुद्धिजीवी खिडारी प्लेयर्स अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, एक इस अंदोलन नूं एक वक्रा मोड़ दे रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, इस सब नूं किवें देखदे हो? देखो हर कौम हर सभ्याचार दे विच नायक हुंदे आ, वो ऐसे नायक हुंदे आ, वो हर सभ्याचार दे विच किते खेड आ, किते पढ़ाई आ, किते संघर्ष आ, किते उहदा गायकी आ,
कितने अदाकारी आ। सो वो अपने गायकी के खेत्र के गायक नायक आ, विद्या के खेत्र के इंटलैक्चुअल नायक आ, इवें खेड के खेत्र के खिडारी नायक आ। ये साडे नायक ने, असली नायक ने, अदाकार नहीं है, ये असली नायक ने जो जमीन ते जड़ नाल जुड़े हुए लोग ने। सो उन्होंने अंदर जज्बात आ। मैं खिडारी बाद च हो सकदा, विद्यार्थी बाद च हो सकदा, मैं बिजनेसमैन बाद च हो, सब तो पहला मैं पंजाबी हाँ। वो पंजाबी होने के नाते इस मिट्टी के खाधे हुए अन्न का बदला चुकाने ले आया, इस पीते हुए पानी का मुल तारन ले आया, वो बिल्कुल सही ने। वो जिस तरीके नाल इत्थे मोड़ के जवाब दे रहे हैं केंद्र सरकार नूं, वो ये कह रहे हैं कि तुहाडे मान सन्मान बाद च आ, पहला मेरे लिए मेरी मिट्टी आ, मेरा सभ्याचार आ, और मेरा इतिहास गौरवशाली जिहड़ा मेरा इतिहास आ, वो मेरे लिए सब तो उपर आ। इस अंदोलन दे विच पंजाबी सिंगर्स वक्रा जोश भरते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे सिंगर तुहाडा आशीर्वाद लैके अगे पहुँचे ने, अपना जिहड़ा जीवन आ संगीतमय जीवन बहुत खूबसूरत उन्होंने कटिया आ, और नाल दी नाल सुनन नूं ये मिल रहा कि जिहड़े पंजाबी सिंगरस आ वो तां करके इत्थे आ के किसानां नाल खड़े ने कि करोना करके व्यूज़ घट गए सीगे, इत्थे आण करके चेहरा विखा रहे ने और किसानां नूं भटका भी रहे ने, ये काफ़ी आरोप लगते हैं। देखो ये अपनी अपनी सोच आ, जिस बंदे दे अंदर नैगटिविटी है ना वो नैगटिव ही लभेगा, पर जिस बंदे दे अंदर पॉजिटिविटी आ, ये तुहाडी अख दस जा कि सामने वाला तुहानूं खूबसूरत लगता कि नहीं लगता। मेरी नज़र च वो पंजाब दे पुत्तर ने, पंजाबी सभ्याचार दे जाए ने, उन्होंने माँ दियां लोरियां लैके बचपन खड़ाया, वो बचपन दे विच उन्होंने पंजाबीयत नूं अपनाया। सो इस करके उन्होंने प्रति इस तरह की शंका रखना, तुसीं जिहो जिहा किसे बारे सोचदे हो उहो जिहा तुहानूं रिफलैक्शन मिलता। मेरी नज़र च वो बहुत समर्पित साडे नौजवान ने कि जिहड़े इस तरह करोना दे दौर च वी पंजाब दे तो आ के खड़दे ने, क्योंकि पंजाब दे नायक ने, मैं पहला कहा। सो इस तरह की गलत सोच आ कि करोना करके व्यूज़ घट गए, व्यूज़ बढ़ गए, तुसीं तां किसी नूं भी कंडैम कर सकते हो, दुनिया च तां किसी भी चीज़ नूं क्रिटिसिज्म दे तौर ते लिया जा सकता, पर मैं इहनूं पॉजिटिव मंनदा क्योंकि उहनां दे यूथ दे फॉलोअर्स ने, वो जिस तरीके नाल इत्थे आ के यूथ नूं एक्टिव कर रहे ने, वो बहुत चंगी गल है, और मैनूं माण आ अपने समुचे संगीत उद्योग ते कि वो इन्ने सेंसिटिव ने, जिन्हां नूं पंजाब अपना लगता। जे वो ना आउंदे तद आलोचना सी भी ये आए नहीं घरां च बैठे आ, जे वो आ गए तद आलोचना आ। सो इस करके किसी की आलोचना की परवाह नहीं की जाती, अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर अपनी विचारधारा साफ सुथरी ते इस मिट्टी की इमानदारी रखे आए ने। सो उन्होंने जी आया, उन्होंने सत्कार, जेडे उन्होंने बहुत बहुत शाबाश। देखो अज मैं पहला भी कहा कि म्यूजिक कंपनियां इन्होंने कहे व्यूज़ लेने से, इन्हों का व्यूज़ का की संबंध आ। हूँ जे कोहली साहब खड़े आ, इन्हों व्यूज़ यूट्यूब से मिलने या ना मिलन, हूँ निखिल जी खड़े आ, इन्हों इस गल नाल की आ, पर जे आए आ तो इन्हों जी आया, इन्हों शाबाश दो कि होर दसा लोगों लैके आन। सिर्फ ध्यान भटकाने लिए इन गल् की जा रही ने कि किसान भटक जाए, जरा किसान कट्ठा होया होया वो बिखर जाए, काफ़ी वारी फुट पाने की कोशिश भी की सेंटर सरकार ने, पर किसान यस ज नो ते अड़े हुए। देखो ये गल्ला तो बहुत पहला तो मुगलों के समय तो चलिया आ रही, कि उन्होंने हर अंदोलन, हर समूह नूं, हर जथे नूं, हर मूवमेंट नूं उन्होंने तार पीडो करन दी कोशिश कर दिया कि इहनूं असीं कमज़ोर कर देईए, जे उवें नहीं मंनदे तां इहनूं साजशां नाल कमज़ोर कर देईए। पर अज इतिहास आ, अज पंजाबी इकट्ठे आ, अज पंजाबी होण दे नाते आए आ। सो ये इतिहासिक पल आ, इतिहास आ, और मैं माण करदा कि मेरे समय च होया, मेरी उम्र च होया, ये हो सकता 20-50 साल बाद होंदा मैं जिंदा ना रहिंदा, लेकिन अज मैं जिस तरीके नाल इन्हां नूं संघर्ष करदे देखिया, इस एग्जाम्पल तो मैं इस करके आया कि मेरे परिवार के होर लोग इस गल नूं मन सकन कि असीं भी जाइए, मेरा बच्चा मेरे तो सिख लै सके कि मेरा पिता गया मैं भी जावां, मैं इस चीज़, क्योंकि असीं अपने बच्चों लई आप रोल मॉडल हाँ, जो असीं करांगे वो सब कुछ साढ़े लिए, वो साडा पंजाब दा आ, साडे लिए पंजाबीयत आ। सो बहुत सत्कार इन्हां योध्यां नूं, इह योधे ने साडे हुंदिआं दे, बड़े साडे, मैं भगत सिंह नूं नहीं देख सकिया, मैं राजगुरु सुखदेव नूं नहीं देख सकिया, मैं करतार सिंह सराभे नूं नहीं देख सकिया, पर अज मैं इन्हां योध्यां नूं देखदा कि जिहड़े योधे घर छड के ट्रालियां च रह रहे आ, जिहड़े गोले, जिहड़े लोग सड़कां ते कई रातां कट रहे आ, इह योधे ने साडे, इन्हां ते माण करेगा पंजाब हमेशा हमेशा दे लई। अज खालसा हाइट जा के सेवा की आ, सारे माहौल किवें देखते हो, कितना अपने आप नूं लक्की मानते हो? मैं अपने आप नूं बहुत वड़भागा समझदा कि खालसा हाइट जिहड़ा धर्मां ते
नस्लों दियाँ बंदिशां तो उपर उठ के इंसानियत की सेवा में लग्या हो रहा। जदों वो लंगर छकाउंदे आ, जदों वो आसाम वल जांदे आ, जदों वो सीरिया च जांदे, वो इन्हीं देखते कि साडे धर्म के लोग उत्थे है जां नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दुनिया की अलौकिक ऐसी उदाहरण आ कि अलौकिक ऐसा ग्रंथ आ जिहदे च होर धर्मां दी बाणी शामिल आ, इहदे च भगतां दी वी भट्टां दी वी बाणी शामिल आ। सो ये दुनिया का ऐसा ग्रंथ आ जिहड़ा अपने कला विच सारयां नूं लै लैंदा। सो उस तरीके नाल खालसा एड दा आधार गुरु ग्रंथ साहिब आ, गुरबाणी आ, गुरु ने, सो उस आधार ते सब लोग सेवा कर रहे ने। सो मैनूं लगदा इह एक मुकद्दस जगह आ, इह पवित्र जगह आ। अज मैं इस धरती ते आके सजदा कीता, मैं असीं सारे वडभागे हो गए। कंडियाली तार लगाई गई आ बार्डर से, जदों किसान शंभू बार्डर तो अगे वध रहे थे, पानी दी बछारा काफ़ी हुई, काफ़ी लोग जख्मी भी हुए, पर पिछे नहीं हटे। जब उन्होंने पहला कहता कि असीं शांतमई ढंग नाल बह के अंदोलन करना है, फिर इन्ना तशद्दुद क्यों? ये सरकारां दा हमेशा रवैया रहा इस तरह का ही कि सरकारां इवें ही करदियां होनियां, पर खैर जिहड़ा जोश आ पंजाबियों का जोश आ, उहनूं कोई अथरू गैस, उहनूं कोई अथरू गैस जां उहनूं कोई बैरीगेट्स जां उहनूं कोई लाठीचार्ज कोई नहीं रोक सकता। अज जिहड़ी मूवमेंट बन चुकी आ, इहनूं रोकिया नहीं जा सकता। ये जित दा परचम, जित मिलनी मिलनी है, यकीनी आ जित, इह तां हुण इह आ भई अज मिलदी कि कल मिलदी, लेकिन जाना जित के ही है इत्थों। दीपक बाली जी आते हैं साढ़े दर्शकों जो देख रहे हैं, जो घर बैठे ने, किसी कारण करके नहीं आ सकते पर मन के जज्बा रखते हैं कि असं आना चाहते हैं, उन्होंने सब न की सुने है, और जो इस मोर्चे में डटे हुए हैं उन्होंने सब न की सुने? बस उन्होंने यही आ कि इवें ही हौसला बना के रखने की लड़ आ, जज्बा बना के रखने की लड़ आ, बाकी जोश के नाल नाल होश बहुत जरूरी आ, सेंसीबल हो के इस जिहड़ी ये अगवाई चल रही है इहदी लड़ाई लड़नी है। जिहड़े घरां च बैठे ने वो कोशिश करन कि इत्थे जरूर आउण, बड़ा ही इतिहास आ, नहीं तां जे तुसीं नहीं आए जित हो जाणी आ। ये तुसीं कोसोंगे अपने आप नूं कि मैं क्यों नहीं आ सकिया, मैं जदों इत्थे आया मेरी अखां च पानी आ गया, मैनूं मैं अपने आप नूं अधूरा समझदा सी। असीं भाजी तिन्ने यही गल्लां करदे सी कि असीं अज इत्थे हले तक नहीं आए, मैनूं अपना आप इनकम मेरा मैनूं अपना आप पंजाबी कहण नूं दिल नहीं सी करदा कि मैं कहाँ कि मैं पंजाबी हाँ, तो मैं इस पंजाबियों की जंग च आ नहीं सकिया। अज मेरे मन में शांति, अज शायद मैं चंगी नींद रात को सौ सकाँगा, चाहे मैं इतने सड़क पर परना बिछा के सौंगा, पर मैं अज चंगी नींद सौ सकता। शुक्रिया साढ़े नाल गल करन दे लई। एसी दीपक बाली जलंधर तो, जिन्होंने अपने जज्बात दर्शकों अगे रखे ने इस मोर्चे के प्रति, इन्हों जो शब्दावली है केंद्र सरकार ने हर वार चोट करते हैं। कैमरामैन जतिन राजपूत के नाल मैं हरमीत सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, कुंडली बॉर्डर। ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।